करनाल की सबसे यूनिक शादी में आपको लेके चलते हैं हैशटैग मन्नू की अन्नू, जहां पे एक दुल्हन को शादी के दिन ससुराल वालों ने शगुन में एक गाड़ी गिफ्ट की है। और दहेज तो छोड़ दो, सिर्फ 1 रुपए में चंदेल परिवार अपनी बहू को अपने घर का हिस्सा बना चुका है। और साथ ही साथ पहली बात तो इतना खूबसूरत कपल है, आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दो कमेंट बॉक्स में। और गाड़ी, फॉर्चुनर गाड़ी जो आप देख सकते हैं ना, वो गिफ्ट की गई है दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से। मतलब एक और तो समाज में जो लड़के वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं कि लड़की वाले शादी होएगी तो ये गाड़ी देना, वो गाड़ी देना, ये सामान देना, इतने पैसे देना। अरे नहीं, इस बार तो अब लड़कियों को भी गिफ्ट्स मिलने लगे हैं। मतलब ये दुल्हन है जिनको फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है, तो ये चाबी देते हुए भी जरा नजर आ रहे हैं ससुराल वाले, किस तरीके से नई नवेली दुल्हन को फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रहे हैं। सिर्फ 1 रुपए के शगुन के साथ दुल्हन को लेकर आए हैं अपने घर में। ये शादी सिर्फ 1 रुपए के शगुन के साथ हुई है और गाड़ी गिफ्ट की गई है दुल्हन को। बहुत ही यूनिक सी शादी है, बहुत ही अलग ही कंसेप्ट है। मतलब जो ननंद है उनकी तरफ से गाड़ी गिफ्ट कर दी जाती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर दी जाती है। बड़ा मतलब यूनिक कंसेप्ट है, अलग ही शादी यहाँ पे हुई है। आप लोग भी बताइएगा कि जो दहेज मांगते हैं वो कितना गलत करते हैं। मुझे लगता है उन सबकी सोच को बदलने के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कदम उठाया है चंदेल परिवार में। आप खुद देख सकते हैं कि एक बेटी को, एक बहू को वाकई बेटी जैसा मानना और उसको वैसे ही ट्रीट करना क्या होता है, वो चंदेल परिवार ने साबित कर दिया है। एक बहुत खूबसूरत सा कपल इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ही यूनिक सी शादी करनाल में हुई है। अक्सर हम सुनते हैं कि मतलब जो लड़कियों के पिता होते हैं वो बचपन से पैसे संजोना शुरू कर देते हैं, जब बेटियाँ छोटी होती है, पैदा ही होते हैं, कि बड़े होकर शादी होगी तो दहेज देना पड़ेगा। दहेज एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, लेकिन करनाल के इस परिवार ने ना एक मिसाल सेट कर दी है जितने भी बेटियों के पिता होते हैं, जितने भी जो बेटों के भी पिता होते हैं उन सबके लिए, क्योंकि शादी हुई है यहाँ पर और 1 रुपए का सगन लेकर ये जो है दुल्हन को अपने घर लेकर आए हैं। और उल्टा एक किस्सा सुनने को मिला है कि मतलब ससुराल वालों की तरफ से बहू को फॉर्च्यूनर गिफ्ट में दी जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, पहली बार मैं भी इस तरीके की शादी अटेंड करने पहुंची। सबसे पहली बात तो कपल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इनका हैशटैग पहले तो आप सुन लीजिए, मन्नू की अन्नू। आइए आपको ग्रूम से मिलवाते हैं जिनका नाम है मन्नू, और जो दुल्हन आप इतनी खूबसूरत से देख सकते हैं इनका नाम है अन्नू। और साइड में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं संजय चंदेल जी, और साथ में पूरी फैमिली, सब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो पहले तो आप देखिए कि सभी लोग यंगस्टर्स हैं और इनके लिए कितनी बड़ी मिसाल जो है इनकी फैमिली में सेट हो जाती है। मतलब यार हम आप लोगों को कितनी खबरें दिखाते हैं चैनल पे कि सिर्फ दहेज ना देने की वजह से बेटियों के साथ क्या कुछ नहीं कर देते ससुराल वाले। दहेज कितनी बड़ी कुप्रथा है, इसके खिलाफ कितनी मतलब जुर्म हो रहे हैं इसके चलते हुए, इसके खिलाफ कितनी सजा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग दहेज ले रहे हैं और दहेज दे भी रहे हैं। इसके ऊपर मूवीज भी आई, सीरीज भी आई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि करनाल का जो माइंडसेट है, जो बेटियों का, बेटों के जो पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका माइंडसेट बदलेगा, क्योंकि इस परिवार ने एक नई मिसाल जरूर रच दी है कि बेटी को सिर्फ 1 रुपए के शगुन के साथ अपनी दुल्हन इन्होंने बना लिया है और साथ ही साथ फॉर्च्यूनर भी गिफ्ट की है ससुराल वालों ने इनको। आप देख सकते हैं ये ससुराल से है ननंद लगती है, और इन्होंने जो है अपनी भाभी को एक फॉर्च्यूनर भी गिफ्ट में दी है। और यहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि मतलब जो बेटियों के पिता होते हैं वो मतलब उनकी बेटियां पैदा होते ही साथ में पैसे जोड़ने शुरू कर देते कि यार गाड़ी खरीदनी है, दहेज में क्या देंगे, कैसे होगा। लेकिन मतलब यहां तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। तो एक बार ब्राइड ग्रूम से बातचीत करते हैं, इतनी यूनिक शादी का हिस्सा बन के उनको कैसा लग रहा है। तो मैम जब आपने ये चीज़ सुनी थी, देखो हम सबको पता है ना जितनी भी लड़कियां होती है कि दहेज इनडायरेक्टली उसकी मांग की जाती है, चाहे लोग खुले हम नहीं बोले। लेकिन जब आप लोगों को सुनने में आया कि कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ 1 रुपए के शगुन के साथ आपको दुल्हन बना के आपको शादी करके अपने घर का हिस्सा बनाना, तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था मैम, ऐसा लगा था कि मतलब ये तो वो वाला परिवार मेरे को मिल गया जो मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा परिवार मुझे मिल जाएगा। हाँ जी, स्टार्टिंग से ही इन्होंने बहुत प्यार दिया, स्टार्टिंग से ही मिलते रहे हैं, चाचा जी ने, चाची जी ने, सब ने, सब सब। मुझे एक बार बताओ पेरेंट्स को कैसा लगा था कि मतलब कोई दहेज की मांग नहीं है, कोई दहेज बिल्कुल लेना ही नहीं है और गाड़ी भी गिफ्ट में दी है, क्या बताओगे? वो तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा, बहुत स्टार्टिंग से बहुत प्यार करते हैं, इनसे भी, फैमिली से भी, चाचा जी से, सबसे बहुत खुश हैं।
देखो अभी दुल्हन थोड़ा सा शर्मा रही है, उतना खुल के तो नहीं बताएगी, लेकिन दूल्हा भी यहाँ पे मौजूद है मन्नू, उनसे भी बातचीत करते हैं। बाय द वे इनके निकनेम्स है मन्नू और अनु। तो सर मतलब हम लोग ऐसे बचपन से सुनते हैं ना, बीइंग अ बॉय आप लोग भी सुनते हैं कि कितना बड़ा सोशल लेवल है, ये जो डाउरी है हम बचपन में ऐसे लिखते हैं, इतना कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी फैमिली ने ना प्रैक्टिकलिटी में उस चीज़ को किया है। तो आप भी इनके साथ थे कि कुछ दहेज नहीं लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, और इनफैक्ट गाड़ी गिफ्ट में देंगे, ऐसा आप भी साथ में थे इसके? एक्चुअली ये सोच मेरी थी और ये आज से नहीं है कि जब शादी फिक्स हुई है कि तब से मैं ये कह रहा हूँ कि दहेज में नहीं लेना है। ये मैं जब ट्यूशन जाता था अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ट्यूशन जाता था, वहाँ पे एक मेरे सर हुआ करते थे, मैथ्स टीचर मेरे राहुल सर, तो उन्होंने मुझे कभी ये बात बोली थी कि दहेज लेना अच्छा नहीं, बात अच्छी बात नहीं है, और हम एक लड़की को क्या खुश नहीं कर सकते कि वो इतना सब हम उनसे पैसा लेते हैं, ये सब होता है। तो तब से मेरे माइंड में बात बैठ चुकी थी और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रख के मैंने अपने चाचा जी को बोला कि आप ये बात आगे रखें मेरी तरफ से, देन हम दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कंडीशन है हमारी ये कि हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे। मतलब हमारी जिंदगी में ना कश्मकश में से छोटे छोटे से कुछ पल होते हैं जो हमें इतनी बड़ी बातें सिखा जाते हैं, जो सिर्फ हमारी ही नहीं सामने वाले की जिंदगी को भी पूरे तरीके से बदल देते हैं। और इनकी ये जो कहानी है, ये जो एक अलग सी शादी करनाल में हुई है ना, ये मुझे लगता है बहुत लोगों की जो सोच होती है उसको बदलने वाली है। यहाँ पे इतने सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं उनकी भी बदलने वाली है, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी मेंटेलिटी को भी बदलने वाली है। देखो मेरी बात सुनो कि जो एक बेटी का पिता होता है वो अपनी छोटी सी बेटी को इतना बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर एक दिन आता है कि अपने जिगर के टुकड़े को किसी और परिवार को सौंप देता है, और उससे ये मांग की जाए कि वो साथ में सामान भी दे, मतलब अपनी सारी जो जिंदगी भर की कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा दे दे, वो तो मतलब बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि दुल्हनों को ही गिफ्ट मिलना चाहिए, मैं तो बिल्कुल इसी के सपोर्ट में हूँ। और जैसे मैं बता रही थी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ में, उनसे एक बार जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समाज सेवी भी हैं सर, काफ़ी कुछ बातों में बता रहे थे, एक बार इनसे जुड़ते हैं। तो सर मुझे लगता है बहुत बड़ी मिसाल आपने पेश कर दी है, बहू को सिर्फ एक रुपये के शगुन के साथ आपने अपने घर का हिस्सा बना लिया, ऊपर से फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में दे दी है, वरना तो मतलब लड़के वाले गाड़ी दहेज में मांगते हैं, आपने तो दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गाड़ी नहीं दी है, मेरी बिटिया है मेडिकल की पढ़ाई कर रही है कनाडा में, ये इसने अपनी भाभी को अपनी पॉकेट से गिफ्ट किया है, अपने भाई को गिफ्ट किया है, और शुरू से ही मेरा बेटा मन्नू मतलब इन चीज़ों के बहुत खिलाफ रहता है, इसकी सोच बहुत बड़ी है और ये सोच ही इसको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। बहुत अच्छा लगता है, मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, इतने अच्छे बच्चे कमाए मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी है और तभी ये आगे बढ़ रहे हैं। और समाज सेवा एक चलती रहती है सब में, जैसे एक शिक्षा की मुहिम मैंने चला रखी है, और मेरी बिटिया ने इतना अच्छा काम किया, मुझे मालूम नहीं था इसने इतना पैसा इतनी अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करी, अपने भाई को अपने भाभी को आते सार इसने कनाडा से पहले यही सोच लिया था, और इसने गाड़ी ली और आते सार बोला मैं ये गाड़ी इनको दे के जाऊँगी, इनकी गिफ्ट है। अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है, अपने भाई मनु से बहुत प्यार करती है अंजलि। शौक मुझे जब लगा, सुबह कल परसों की शादी थी नाइट की 26 की, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे आए हैं, मेरी बहू उनसे भी अच्छी है। मेरी बहू ने आते सार मुझे जो इसको जैसे सब फैमिली मेम्बर्स मामा चाचा बुआ ये वो शगुन देते हैं, इसने वो शगुन भी आकर मेरी झोली में डाल दिया। और आज जैसा कि मैंने महापुरुषों की मूर्तियां देने की मुहिम चलाई हुई है, इसने अपना सारा शगुन मुझे दिया। आज बलड़ी गाँव में सबसे अच्छा काम ये हुआ, महर्षि वाल्मीकि जयंती है आज, और जयंती के दिन ही महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती गांव बलड़ी में मंदिर में स्थापित हुई है। वो जिस पैसे से वो मूर्ति आई है वो पैसा मेरी बहू रानी ने मुझे गिफ्ट किया, मेरी आँख में आंसू भर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे इतने अच्छे, एक और मेंबर, एक और मेरा परिवार का बच्चा उनसे भी अच्छा आया जो मुझसे जुड़ गया, मन भर आता है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों को दीर्घायु करे और ऐसे ही इनका इतना अच्छा माइंड बना रहे ताकि एक मैसेज समाज में जाए। बहुत खुशियां ही खुशियां आज मेरे घर में आई हैं, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, फेस्टिवल है, शादी है, रिसेप्शन है, बच्चों ने मेरी बिटिया ने गिफ्ट में भाई को भाभी को फॉर्च्यूनर दी है, मतलब बहुत खुशियां हैं, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा बेटा और मेरी बहू खुश रहे, मैं इनको ढेरों ब्लेसिंग देता हूँ और बस खुश रहे खुश रहे।
अच्छा एक बात तो साफ है इससे, जितना सर ने बताया कि अगर आप एक बहू को वाकई बेटी के जैसा प्यार देते हैं ना, तो वो भी जो अपने सास ससुर है ना उसको उनको माँ बाप से बढ़ के ही सम्मान देती है, जैसा चंदेल परिवार में हुआ भी है। तो आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं आपके पिताजी कि आपने गाड़ी गिफ्ट में दिया, मतलब हम बोल रहे ना कि ससुराल वालों ने बहू को नहीं दुल्हन को गाड़ी दी है तो वो श्रेय इनको जाता है, तो ये मेंटेलिटी ये सोच कहाँ से आई थी? और एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तो आप छोटे हो, कल को व्हेन यू विल गेट मैरिड, जब आपकी शादी होगी तो आप भी इसके अगेंस्ट खड़े होने वाले हो ना कि गिफ्ट के नाम पे दहेज देना गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ स्टीरियोटाइप दैट आई एम नॉट गोना गेट मैरी बिकॉज आई एम लिविंग अ वेरी वेल इंडिपेंडेंट लाइफ एज इज येट। और मतलब कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सारी जो चीज़ें हैं वो खुद हमें घर से ही स्टार्ट करनी पड़ी, तो ये आसान नहीं था। बहुत लोग आए जिन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया कि ये चीज़ अच्छी बातें नहीं होती, उनके बावजूद भी हम अपने जो डिसीजन पे हम स्टिक रहे एंड वी ट्राइड आर बेस्ट टू जस्ट यू नो गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और मैंने भी डिसाइड किया जब मैं बाहर गई और मैंने देखा कि लोगों का स्टीरियोटाइप वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत वहाँ पर बहुत डिफरेंट व्यूज़ हैं लोगों के, तो वो चीज़ अगर हम खुद नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिखना शुरू से सिखाते हैं, पैसेजेस लिखिए, डॉरी सिस्टम अच्छा नहीं होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है और मुझे जब वहाँ पर जाके अच्छा जॉब मिला, अच्छा मैंने वर्क इनिशिएटिव लिया स्टडीज़ के थ्रू, तो मैं इतनी कैपेबल हो पाई कि मैं यहाँ पर आके एक फॉर्च्यूनर कार मैंने ली और फिर मैंने डिसाइड किया कि एज अ वेडिंग है तो ये सरप्राइज था सभी के लिए और मैंने उनको गिफ्ट किया, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हैप्पी मोमेंट फॉर आवर फैमिली। जब आप समाज से हट के कुछ अलग काम करते हो ना तो समाज ताने मारता है, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी होती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि वो बता रहे कि मैंने बचपन में बुक्स में पढ़ा था कि डाउरी गलत है, अपने टीचर से सुना था, लेकिन उस चीज़ को भूलना नहीं, दिमाग में हमेशा रखना, अपने प्रिंसिपल्स को पीछे ना छोड़ना। जैसे सर बातचीत कर रहे थे, वो बोले थे हम प्रथाओं को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कुप्रथाएँ अभी भी हमारे समाज में जारी है, और सबसे बड़ी जो कुप्रथा है वो है दहेज प्रथा। और यहाँ पे ना कुछ यंगस्टर है तो उनसे एक बार बातचीत करते हैं। अच्छा अब देखो, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन तुम्हारी फैमिली में, अभी कल को तुम्हें भी शादी करनी है, तो क्या तुम भी स्टिक करने वाले हो इस प्रिंसिपल के साथ कि मुझे डाउरी नहीं लेनी है? नहीं, एक्चुअली ये फैमिली की नहीं, हम सब की मतलब पूरे अच्छी सोच है, होनी चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ गुड एंड आई विल नेवर प्रेफर टू डू, क्योंकि मुझे स्कूल में सिखाया गया दैट डाउरी इज इलीगल, लाइक कोई कहते हैं कि ये नहीं गिफ्ट ले लो, बट इट इज़ नॉट, आई डोंट लाइक डाउरी, इट इज़ वेरी बैड फॉर द सोसाइटी, सो वी शुड नॉट प्रेफर इट एंड इन द फ्यूचर आई विल डू द सेम। मतलब सुन के बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है ना उनकी सोच में वाकई बहुत परिवर्तन आ चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है, एक अलग सी शादी में हमें भी आज जो है शामिल होने का मौका मिला, हमने भी शिरकत की, बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बहू को कहना कि हमारी बेटी जैसी और वाकई बेटी जैसा मानना, उसमें बहुत फ़र्क होता है, चंदेल परिवार ने करके दिखाया है। और अगर एक बहू को आप सच में दिल से बेटी मानते हो तो वो भी मुझे लगता है अपने सास ससुर को माँ बाप से बढ़ के इज्जत देती है, जैसे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और इसके साथ ही दहेज इतनी बड़ी कुप्रथा है कि इसके चलते कितनी भ्रूण हत्या हो जाती है, क्योंकि कई बार पिता के पास परिवार आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर होता है, उनको पता होता है बड़े होकर हम नहीं शादी कर पाएंगे या दहेज नहीं दे पाएंगे तो बेटियों की शादी कहाँ से होगी, वो जो एक बर्डन पिता के दिमाग में होता है, जो इतने फीमेल फीटिसाइड होते हैं, इतनी भ्रूण हत्याएं होती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है वो छोटी सोच के जो लोग होते हैं, वो जो समाज है जिसकी सोच अभी भी पिछड़ी हुई है कि दहेज लेना है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत चीज़ है। और अगर एक बाप अपने मतलब जिगर के टुकड़े को दे रहा है किसी दूसरे परिवार में दे रहा है, तो वो चाहेगा कि उसकी इज्जत की जाए, उसे सम्मान से रखा जाए, उसको प्यार दिया जाए, लेकिन जो लोग पहले ही चीज़ें मांगेंगे वो क्या ही प्यार देंगे, मतलब यहीं से आपको सोच का पता चलता है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, हम भी सुनते आ रहे कि गिफ्ट्स के नाम पर अगर हम दहेज दे देंगे तो वो सही है, मतलब वर्ड्स दूसरे यूज़ कर दिए जाएंगे लेकिन दिया दहेज ही जाएगा, तो मुझे लगता है वो कुप्रथा उसी वजह से जारी है क्योंकि शब्द बदल गए लेकिन रिवाज वही, कुप्रथाएँ वही चलती आ रही हैं। तो करनाल में एक अलग शादी देखने को मिली है, मन्नू की अन्नू की शादी यहाँ पे हो गई है, चंदेल परिवार पहले मतलब जो सर हैं वो समाज सेवी भी हैं और कांग्रेसी नेता भी हैं, उनको तो शहर जानता है, और उनके परिवार में जब ऐसा कदम इन लोगों ने उठाया है कि बहू से दहेज तो दूर की बात है, एक रुपए शगुन के साथ दुल्हन घर में आई है, सोचिए उसको कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना एकदम से आसान हो जाएगा उसके लिए अपने इस परिवार में रहना। और दूसरी बात, उनके पिता और माता के सर से बोझ कितना हल्का हुआ होगा, तो सोचो कि अगर ये सोच हम भी ले आए तो लड़कियों के जो माता पिता है वो मुझे लगता है कोई भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेगा पहली बात। और फॉर्च्यूनर गिफ्ट में दिए, लड़के वाले डिमांड करते
हैं ये गाड़ी चाहिए वो गाड़ी चाहिए, मुझे लगता है अब लड़की वाले भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारी बेटी को ये वाली गाड़ी चाहिए। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में मिली अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ऐसी यूनिक शादी देखी और क्या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। इतना सुंदर कपल यहाँ पे बैठा हुआ है और जो मतलब इस बार हमें सुनने को मिला, जो इंस्पिरेशन मिले, उसके बारे में भी थोड़ी वाहवाही कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।